आज मैं खुशखबरी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो खुशखबरी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये खुशखबरी का कारण आप सभी लोग हैं, क्योंकि आज मैं मेरे जीवन का सबसे महंगा मोबाइल लेने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये आज मेरे बच्चों ने, मेरे भतीजों ने, मेरे घर के जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे आज यहाँ पर गिफ्ट किया है। तो चलिए, मन कंचन मोबाइल गैलरी जो शिरडी की बहुत ही खूबसूरत सी शॉप है, उसके अंदर जाके फिर आगे का मैं आपको सारा दिखाता हूँ। शायद इस गैलरी को देख के आपको विश्वास नहीं होगा कि शिरडी जैसी जगह पर भी इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी गैलरी मोबाइल की हो सकती है। आप देख सकते हैं कि सारी वैरायटीज़ जो बड़े बड़े शहरों में लोग लेने के लिए जाते हैं, वो सारी वैरायटीज़, सारे अच्छे मोबाइल्स यहाँ पर भी मिलते हैं, और मुझे काफ़ी खुशी है। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि जब भी मैं कोई भी चीज़ अपने लिए ख़रीदता हूँ तो मेरा ये प्रयास होता है कि अपने गाँव में उसे ख़रीदा जाए, क्योंकि अपने बच्चों को, अपने जो मित्र हैं, जो दोस्त है, उनको भी उस चीज की खुशी मिले। जब हम बड़े शहरों में जाते हैं तो वो हमें कोई पहचानते नहीं है और हमें लाखों रुपया उनको दे के चले आते हैं, लेकिन आज मैं जो भी पैसा देने वाला हूँ ना, वो अपने लोगों के लिए देने वाला हूँ, उसका मुझे सबसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो गैलरी है, देखो ये मन कंचन, ये यहाँ की जो जगमगाहट है, यहाँ की जो रौनक है, वो देख के आपको पता चलेगा कि ये शिरडी की रौनक है जी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना महंगा मोबाइल भी मेरी लाइफ में मेरे हाथ में होगा, लेकिन इन बच्चों के कारण शायद वो सपना भी मेरा आज यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो चलिए हम उस मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कब वो मोबाइल को मैं देखूँ और उस मोबाइल को लेकर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ में बनाऊँ। तो चलिए उस मोबाइल को देखते हैं और उसे अनबॉक्सिंग करते हुए आप तक मैं पहुंचाता हूं। आखिरकार आईफोन 14 प्रो मैक्स मेरे हाथ में आ गया। काफ़ी सालों का मेरा इंतज़ार था इस मोबाइल को मैं लूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, और आज के बाद जो भी मैं अच्छे वीडियोस बनाऊंगा वो शायद आप सभी लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ वो वीडियोस रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आई होप आप सभी को ये मेरे अगले जो वीडियोस हैं इन फ्यूचर जो भी बनाऊंगा वो आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। हालांकि अब तक मैंने कभी इतना महंगा मोबाइल लिया नहीं, तो थोड़ा सा डर ज़रूर है अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो भी मोबाइल थे वो काफ़ी कम कीमत वाले मोबाइल थे, तो कभी अनबॉक्सिंग करने का मौका ही नहीं मिला। तो आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा डर ज़रूर है लेकिन खुशी उससे ज़्यादा है। यहाँ पर साइन दिया हुआ है कि किस प्रकार से उसे खींचना है। क्या बात है, और एक है, रहा नहीं जा रहा है। ओके, बच्चे सिखा रहे हैं मुझे कि किस प्रकार से अनबॉक्सिंग होती है। यही तो पैर होता है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है कि वो खरीदते हैं तो उनको पता होता है कि कैसे अनबॉक्सिंग करनी होती है। देखिए, ये कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है 14 प्रो मैक्स। ओके, क्या बात है, छोटी छोटी बातें भी बच्चों से सीखनी पड़ रही है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही शिरडी है, तो हमारी परंपरा रही है साईं बाबा के, हमारे ऊपर एक संस्कार है कि शिरडी में कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, छोटी बड़ी कोई भी चीज़ हो, तो उस चीज़ की शुरुआत साईं बाबा के आशीर्वाद से करते हैं। और आज भी मैं, मेरे लाइफ का ये पहला सबसे महंगा फ़ोन है, तो मुझे लगता है कि साईं बाबा के आशीर्वाद से इसकी शुरुआत हो। साईं बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ, इस फ़ोन के साथ हमेशा बना रहे। तो साईं बाबा की जो पावन जो उदी है, विभूति है, वो मैं इस पर रख कर मेरी बड़ी श्रद्धा से साईं बाबा के चरणों में मैं इस माध्यम से फूल अर्पण करना चाहता हूँ। कि यहाँ पर सबसे पहले मैं साईं बाबा की पावन पवित्र उदी में यहाँ पर रख कर, मुझे लगता है कि मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है कि जब जब भी मैंने साईं को पुकारा है, साईं बाबा मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ देते हैं। तो आज भी
मैं साईनाथ को इस उदी के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी मेरा विचार है, जो भी मेरा संकल्प है, अच्छे विचार हमेशा मेरे मन में साईनाथ दें, और एक अच्छी क्वालिटी, अच्छे विचार, अच्छा काम मैं आप सभी के लिए करता रहूं, यही मैं आज साईनाथ से प्रार्थना करता हूं। ओम साई राम। मेरे साथ निखिल है, मेरा भतीजा, बेटे जैसा ही भतीजा है, और उसका सबसे बड़ा रोल है मुझे लगता है कि आज का ये जो मोबाइल उसने जो ख़रीदा है, सभी बच्चे, मेरा लड़का भावेश, निश्चय, परितोष, निखिल, तेजस, जय, भव्य, ईशान, ये सारे हमारे घर के बच्चे हैं, और जिनके प्यार मोहब्बत से ही मैं आज यहाँ पर ये मोबाइल ख़रीदने आया हूँ। तो निखिल को मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे आपने ये सारा प्लान किया था? बड़े दिनों से हम देख रहे थे आप शूटिंग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, आपके पास वीवो मोबाइल है, उसमें कभी कभी क्लैरिटी का साउंड का डिफेक्ट होता है, तो हमने सोचा कि क्लैरिटी बेहतरिंग होने के लिए, अच्छा होने के लिए, वीडियो क्वालिटी बढ़िया होने के लिए तो कुछ बढ़िया अपग्रेड होना चाहिए, कि हमने 14 प्रो मैक्स तो मोबाइल का सोचा था। पहले भी अंकल को हमने बोला था मोबाइल हमने ले लिया है, तो वह अंकल थोड़ा मना कर दिया था कि इतना पैसा अभी नहीं, थोड़ा दिन रुको। फिर हमने ज़बरदस्ती करके अभी इस बार हमने बोला कि चलो मोबाइल ले लेते, ज़बरदस्ती करके, क्योंकि अंकल शूट कर रहे थे, कल परसों शूट कर रहे थे, तो दो तीन बार बीच में प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि साउंड का इफेक्ट हो रहा था, इको हो रहा था, बाहर का आवाज़ आ रहा था, तो फिर बार बार रिस्टार्ट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने बोला कि हमारे दोस्त थे पंकज, उसको कॉल किया, हमने उसको तुरंत बोल दिया भाई एक 14 प्रो मैक्स एक इमेज इमरजेंसी ऑर्डर कर दे, और जो भी होगा हम देख लेंगे। फिर अंकल को हमने बोल दिया, सरप्राइज दे दिया, कल आज का आपका मोबाइल आ रहा है, हमें जाना है लेने के लिए। फिर हम आज शॉप पे आ गए मोबाइल लेने के लिए, और उनकी खुशी देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आगे जाके भी और अपग्रेड हो गए, अभी 14 प्रो मैक्स लिया, अभी 15 भी लॉन्च होगा, 15 प्रो मैक्स भी ले लेंगे। जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी उतना वीडियो अच्छा बनेगा, उससे आपका भी बहुत बड़ा रोल है हम अंकल के लिए, जो बहुत सारे वीडियोस डालते हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, और आप लोग देखते हैं, आपका भी बहुत सारा आशीर्वाद है हमें प्राप्त हुआ है, और उसी आपका भी बहुत बड़ा रोल है हम मोबाइल लेने में, और आपका भी बहुत बड़ा साथ है, और हमें खुशी हो रही है कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो और हमें इतना साथ दे रहे हो, ये देख कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अंकल, और आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे और अच्छे अच्छे क्लैरिटीज़ में आ जाएंगे, और साउंड क्लैरिटी और जो वीडियो क्लैरिटी है वो भी अच्छा आ जाएगा। अभी तो 4K भी ऑप्शन है, 4K क्लैरिटी में आपको वीडियो देखने मिलेगा। शुक्रिया। थैंक यू निखिल। मैंने अगर टूटे हुए मोबाइल से अगर इतने यहाँ तक का सफ़र अगर मैंने तय किया है, तो काफ़ी अच्छे वीडियोस आईफोन में बनते हैं, आपको तो पता है, मुझसे ज़्यादा आप ज़्यादा होशियार हो, लेकिन आप ही के लिए सारा कुछ चल रहा है, तो बस आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हो, आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि विनती करना चाहूँगा कि आप आज ही अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए ना करें ताकि मेरा कुछ फ़ायदा हो, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि मैं जो भी बनाऊं उसको पहले, सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा सकूं, आपको उसके नोटिफिकेशन्स आ जाएंगे और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू।